कोटा जिले के इटावा नगर में 30 मार्च को घेंता रोड पर हुई फायरिंग के मामले में पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं से संबंध में डीएसपी शिवम जोशी ने जानकारी देते हुए कहा कि सत्यनारायण गौचर नामक युवक पर कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की थी, जिसमें राहगीर को गोली लगी थी। और इसके आगे उन्होंने बताया कि अब तक इस मामले में आरोपी गौरव मीणा, रोहित मीणा, कौशल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश लगातार की जा रही है। कोटा से महेंद्र मीणा की रिपोर्ट। इटावा कस्बे में जो फायरिंग हुई थी, उस फायरिंग के 3 आरोपियों को हमारी इटावा थाना पुलिस और डीएसटी ने मिलकर धर दबोचा है। साथ ही हम ये मैसेज देना चाहते हैं पूरे कस्बे की जनता को और हमारे पूरे सर्किल की जनता को कि राजस्थान पुलिस आमजन में विश्वास और अपराधियों के भय के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हमारे आईजी साहब, एसपी साहब और एडिशनल एसपी साहब के निर्देशन में पूरे सर्किल की टीम ने लगातार आसूचना संकलित कर 3 आरोपियों को दर दबोचा है। और ये मैसेज देना चाहते हैं हम कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। इसमें 3 आरोपी हैं, गौरव मीणा और एक कौशल मीणा है और एक रोहित। इनके बीच में आपसी रंजिश को लेकर कोई बातचीत हुई थी, जिसकी वजह से बदला लेने की नीयत से उन्होंने इस तरह से किया। सत्यनारायण और अखिलेश गोचर के ऊपर के साथ इनकी जो है अनबन थी, उसको ये टारगेट बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसमें किसी राहगीर के गोली लगी।